ऐसा कितनी बार हुआ है कि आप पढ़ने बैठ रहे हो, आप सोच रहे हो कि आज बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत मन लगा के पढ़ेंगे पूरी एनर्जी के साथ, लेकिन तभी आपका फ़ोन का नोटिफिकेशन आता है और फिर आप देखते हो कि आपके इंस्टाग्राम में क्या DM आया है, फिर आप अपने फ़ोन के साथ ही उसी इन्फिनिट फीड को आप स्क्रॉल करने लगते हो और लगे हाथों ये समझ में आता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, लाइक पूरा का पूरा घंटा निकल जाता है एंड यू हैव डन नथिंग प्रोडक्टिव. आपका पूरा का पूरा प्लान जो आपने किया रहता है वो ख़त्म. यू हैव नॉट डन एनी स्लाइटेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस. ऐसे में बहुत गिल्टी भी फील होता है कि आपने पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर दिया. एंड ट्रस्ट मी, वी हैव ऑल बीन इन टू दैट सिचुएशन. तो इसको हम सॉल्व कैसे करें, सो रिजॉल्व कैसे करें इवन आफ्टर हैविंग सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, यही जानेंगे इस वीडियो में. चलिए शुरू करते हैं. आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग केमिस्फीयर चैनल. सो टाइम को मैनेज करने की सबसे इफेक्टिव और सबसे कॉमन जो टेक्निक है, उस टेक्निक का नाम है पोमोडोरो टेक्निक. इस टेक्निक के हिसाब से आप अपने स्टडी आवर्स को 25 मिनट्स के चंक्स में आप डिवाइड करते हो. ईच चंक ऑफ 25 मिनट्स इज कॉल्ड वन पोमोडोरो. इस 25 मिनट्स के टाइमर में आपको पूरा का पूरा एनर्जी, पूरा का पूरा फोकस एक टाइमर के साथ, यानी कि आप स्टॉपवॉच रख सकते हो, और उसके साथ साथ आपको जो भी उसका उस चंक ऑफ टाइम में आप अपना जो वर्क अलॉट करते हो, मान लीजिए केमिस्ट्री के आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इन 25 मिनट्स, तो ये आपने अपने आप को टास्क दे दिया. सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि एग्जैक्टली आपको इस 25 मिनट में क्या अचीव करना है. तो जब आपने 25 मिनट्स के थ्रू आपने काम करना शुरू करा, सो यू विल वर्क विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी. इस 25 मिनट के बाद जैसे ही काम खत्म होता है या 25 मिनट्स जैसे ही ओवर होते हैं, तब आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ 5 मिनट्स का ब्रेक. इस 5 मिनट्स के ब्रेक में देयर इज नो वर्कलोड. आप जो चाहें कर सकते हैं, अपना SMS चेक करना हो, अपना WhatsApp चेक करना हो, अपना Instagram चेक करना हो, यू डू इट फॉर एग्जैक्टली 5 मिनट्स एंड देन गो बैक टू द 25 मिनट्स का वर्क सेक्शन. इस 25 मिनट्स में वापस आपको क्या करना होगा, कुछ टास्क अलॉट कीजिए, लेट्स से सम अदर चैप्टर, सम अदर सब्जेक्ट भी हो सकता है, तो उसको आप अलॉट कर देते हो और उसके बाद उस 25 मिनट्स में एग्जैक्टली वही काम करते हो. अगेन 25 मिनट्स कंप्लीट हो जाता है, वापस 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हो, अगेन डू समथिंग, सम रैंडम थिंग्स, वट एवर यू लाइक. उसके बाद आप शुरू करते हो द थर्ड पोमोडोरो, द नेक्स्ट 25 मिनट्स का सेगमेंट, जहाँ पे वापस आप अपने आप को कुछ टास्क अलॉट करते हो. ऐसे करके आपको 4 बार करना होता है. तो 4 पोमोडोरो टेक्निक्स आर डन. बेसिकली अगर आपके पास 4 पोमोडोरो कंप्लीट हो जाते हैं विद 5 मिनट्स गैप ईच, देन यू विल बी एलिजिबल टू टेक अ बिगर ब्रेक, लाइक 35 मिनट्स और 40 मिनट्स का आप ब्रेक ले सकते हो. उस ब्रेक में भी आपको जो मन चाहे कर सकते हो, यू कैन गो टू ईट और हैव एनीथिंग. इस तरह से अगर आप टाइम के चंक्स को डिवाइड कर देते हो, देन योर वर्क बिकम्स वेरी मच फोकस्ड. कम से कम आपको ये पता होता है कि आप क्या करने वाले हो और एग्जैक्टली उसी टाइम ड्यूरेशन में आप कंप्लीट कर सकते हो अपने आप को फोर्स करके. तो इस टेक्निक से क्या होता है कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आती है और यू वर्क अंडर प्रेशर, एंड ट्रस्ट मी, यू बिकम मच मोर प्रोडक्टिव वेन यू आर अंडर प्रेशर. सो रादर देन हैविंग कि हाँ मेरे पास एंडलेस टाइम है, मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ, उस फीलिंग को कर्ब करने के बजाय आप यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट टाइम ड्यूरेशन में जितना पॉसिबल है उतना प्रोग्रेस आप इंस्टॉल कर सकते हो. बेसिकली अगर आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, दैट हेल्प्स यू अलॉट इन अचीविंग वॉट यू वॉन्ट टू डू, इवन इफ नॉट अ ड्रास्टिक चेंज, बट एटलीस्ट इट विल ब्रिंग यू क्लोजर जो आपका गोल है उसके. अगर मैं आपसे सच कहूँ तो मुझे भी इस टेक्निक के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था. मैं उस तरह का आदमी हूँ ही नहीं. मैं ऐसा इंसान हूँ जो कंप्यूटर के सामने घंटों बैठा रह सकता है, एक्सेप्ट फॉर लू ब्रेक्स. मेन रीजन्स का ये था कि मुझे लगता था कि मुझे लॉन्ग चंक ऑफ टाइम मिलेगा तो मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ, बट द ट्रूथ इज़ कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होता है उस लॉन्ग चंक ऑफ टाइम में. कभी कभी ऐसा लगता था कि कम काम करके ज़्यादा अचीव कैसे करूँ, राइट? तो ये कई बार काउंटर इंट्यूटिव लगता है. शुरू में मुझे काफ़ी रेसिस्टेंस भी फील हो रहा था कि क्या 25 मिनट्स काम करना ही ज़रूरी है, क्या उससे ज़्यादा नहीं कर सकते. लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि लेट्स स्टिक विद द फॉर्मेट एंड सी हाउ इट गोज. लेकिन ट्रस्ट मी, जब मैंने इस चीज़ को अप्लाई किया, थिंग्स स्टार्टेड अनफोल्डिंग मच ईजिली एंड आई कुड सी द एंड ऑफ द वर्क वेरी सून इनफ. तो कुछ समय के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो टेक्निक है ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट ला रहा है मेरे वर्क पे, और उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग मोर एंड मोर.
in small durations of time. Or end of the day, you feel quite satisfied. आपको लगता नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा time waste किया है, and still you have made progress. And a little progress is better than no progress at all. So, इस technique को try करो, and let me know if it has any significant impact on you. And since exams नज़दीक आ रहे हैं, or since time is already very less, I think this is the perfect technique for you to focus on your studies. And that's it. That's all for this video. I hope ye video aapko pasand aaya hoga. Agar aapko aaya to please do not forget to like this video. Subscribe karo Chemisphere channel ko aur bell icon ko bhi click kar do taki aapko har aane wale videos ki notification mile. So let's meet in the next video. Tab tak ke liye bye bye.